सीबीएसई द्वारा जारी नए गाइडलाइंस के अनुसार आपको आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करना है। आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप पूरे सत्र में जो भी कलात्मक गतिविधियां करते हैं, जो भी कलात्मक रचनाएं या सृजनात्मक कार्य करते हैं, किसी भी गतिविधि में आप भाग लेते हैं तो उनका एक संग्रह तैयार करके अपने कलाकृतियों सहित अपनी रचनाओं के साथ कला के क्षेत्र में आपकी जो भी उपलब्धि है उसका एक संग्रह तैयार कर प्रस्तुत करना है। आज हम जानेंगे आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत किस प्रकार से हम यह विवरण एक संग्रह कैसे तैयार करेंगे और उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। आप अपने द्वारा कलात्मक गतिविधियों का संग्रह तैयार करने के बाद उसे हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे तो आप पीडीएफ फाइल तैयार करके या पीपीटी के जरिए भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत किस प्रकार से गतिविधियों का संग्रह तैयार करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए कक्षा 1 से 10 तक के लिए अनिवार्य किया गया है, जो वर्तमान सत्र 2020-21 से आरंभ हो चुका है। आप सभी छात्रों को अपने गतिविधियों का एक संग्रह फाइल तैयार करने के लिए कई सारी वीडियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वीडियो के माध्यम से एक 12x18 साइज का एक लिफाफा तैयार किया जा रहा है, जिसमें आप एक बड़े से चार्ट शीट पे आप खुद अपने हाथों से लिफाफा बनाना भी सीख पाएंगे और जिसके अंदर कई सारी कलाकृतियाँ, प्रमाण पत्र और अपने कलात्मक गतिविधियों की सूचियों के साथ सारे संग्रह एकत्रित कर जमा कर आप उसमें विवरण सहित एक फाइल तैयार करेंगे, जिसमें विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, सत्र और विषय संबंधी सूची भी होगी। इसमें कलाध्यापक का नाम और विद्यालय के प्राचार्य का नाम भी अंकित करना अनिवार्य होगा। आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट को आप पीडीएफ फाइल में या वीडियो बनाकर अथवा पीपीटी के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। इस लिफाफे अथवा फाइल में आप एक सूची तैयार करेंगे, जिसमें आपके रेखांकन, चित्र अथवा अन्य गतिविधियों का विवरण सहित उसमें संलग्न किया जा सकेगा। आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपको कई सारे रंगीन कागज और स्केच कलर की आवश्यकता होगी, जिसे आप अपने अंदाज में खूबसूरत ढंग से कलात्मक तरीके से आप बखूबी तैयार कर सकते हैं, जो काफ़ी आकर्षक और रोचक अनुभव करने लायक हो। साथ ही यह जान लेना अति आवश्यक होगा कि कला का महत्व हमारे जीवन में आदिकाल से रहा है, किंतु वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के तहत कला शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। निसंदेह कला शिक्षा हमें अन्य विषयों को भी और रोचक बनाने का काम करता है, साथ ही हमारे मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनशीलता का निरंतर बीज बोता है और आनंद का अनुभव प्रदान करता है। कला हमें जीवन जीना सिखाता ही नहीं, बल्कि हमें
हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से आप इससे और भी बेहतर आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट तैयार करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। यह एक साधारण नमूना मात्र है जो आपको आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाने में सहयोगी का कार्य करेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप तुरंत आर्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट बनाना आरंभ कर दें और अपने विषयाध्यापक अथवा कक्षाध्यापक को अपनी प्रस्तुति अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट तैयार करें इसके बारे में।